आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुने व इससे कुछ शिक्षा लेवे। एकदा सुधर्मा स्वामी के उपदेश से विरक्त होकर एक दरिद्र लक्कड़हारे ने दीक्षा ले ली। जब वे मुनि गोचरी को निकले तब उन्हें देखकर पूर्व के जानने वाले लोगों ने मजाक उड़ाया कि कल तक जो दरिद्र था वो आज पूजनीय हो गया। जिन लोगों के पास लकड़ी के पैसों के लिए हाथ फैलाता था वे अब इनके पाँव पूजेंगे, मन पसंद मिष्ठान खिलाएंगे, बस कपड़े बदलने की देर थी, इत्यादि वचनों से मुनि की आलोचना करने लगे। नवदीक्षित मुनि ने गुरु से आकर सब बताया। अभय कुमार भी उस वक्त वही मौजूद थे। अभय कुमार ने मुनि को आश्वस्त किया पर नगर में आकर 3 कोटि रत्न खजाने से निकालकर राजमार्ग के बीच में रखवा कर घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति 3 वस्तुओं का आजीवन त्याग करेगा उन्हें ये रत्नों का ढेर बिना मूल्य मिलेंगे। सब आतुर हो गए, रत्न लेने काफी लोग इकट्ठा हुए। फिर अभय कुमार ने उन 3 वस्तुओं के नाम कहे, सचित पानी, अग्नि, स्त्री का स्पर्श। लोगों में सन्नाटा फैल गया, कोई आगे नहीं आया। मुफ्त में मिल रहे रत्नों का ढेर लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। महामंत्री जी तो हमें साधु बना रहे हैं, ये 3 वस्तुएं का त्याग करे तो ये रत्न लेकर करे क्या। तब अभय कुमार ने सबको संयम का महत्व समझाया और कहा कि वे साधु तो बिना किसी लालच के साधु बने हैं। आपके सामने तो रत्नों का ढेर लगा फिर भी कोई तैयार नहीं। संयम पालन करना इतना सहज नहीं है, तलवार की धार पर चलने के समान है। लोगों के पूजनीय होने से पहले कठिन साधना की शुरुआत करना होता है। लोगों ने माफी मांगी और मुनि को सहर्ष वंदन किए। यह है त्याग की महिमा। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मुनि की जरा से इसखलना या दोष की निंदा करने से पहले ये अवश्य सोचे कि हम लायक हैं क्या।